नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण सहरावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पोस्ट इन्फो एंड फन पे। दोस्तों, जब भी पोस्ट ऑफिस में कोई भी पासबुक प्रिंट करते हैं तो एक बार वो वहां पे प्रिंट करने के बाद आप यस कर देते होंगे, तो यस करने के बाद में वो पेज वहां से चला जाता होगा और उसके बाद नेक्स्ट पेज आ जाता है और पासबुक जो है लास्ट में अप टू डेट हो जाती है। तो क्या होता है, प्रिंट करते टाइम कई बार गलती से क्या होता है कि ओवरलैप हो जाती है, वो पिछली वाली ट्रांजैक्शंस पे ही प्रिंट होके आ जाती है और दोबारा से जब प्रिंट करने के लिए जाते हैं नए पेज पे तो वहाँ पे मैसेज आता है कि पासबुक जो है ऑलरेडी अपडेट है। तो इसका सॉल्यूशन आज देखने वाले हैं दोस्तों, कैसे उस पेज को दोबारा से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। तो पासबुक को रीसेट करना पड़ता है, तो उसके लिए आज की वीडियो रहेगी हमारी। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये जो अकाउंट नंबर अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस अकाउंट नंबर की आज पासबुक जो है रीसेट करने वाले हैं। तो ये जो ट्रांजैक्शन यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो यहाँ 16/1/2009 से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसकी पासबुक प्रिंट करना। तो उसके लिए हमारा मेन्यू रहेगा HPBPR, पासबुक रीसेट करने के लिए हमारा मेन्यू रहता है ये HPBPR। ये मेन्यू यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे रीसेट का ऑप्शन आएगा फंक्शन में और वो अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद नीचे आपको फ्रॉम डेट और टू डेट रहेगी। फ्रॉम डेट में आपको वो डेट रखनी है जिस डेट से आपको प्रिंट लेना है और टू डेट आज की डेट रखनी है। तो चलिए फ्रॉम डेट में डाल देते हैं स्टार्टिंग की डेट जहाँ से हमें प्रिंट करना है। यहाँ 16/1/2019, यहाँ कैलेंडर से भी सर्च कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे आप एंटर भी कर सकते हैं। तो जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे तो 16/1/2009 से सारी एंट्रीज यहाँ पे आ जाएंगी। तो 16/1/2009 को इसका क्लोज़र कोई था तो यहाँ से ये प्रिंट नहीं करना है। इसको स्किप करने के लिए रिकॉर्ड्स एक लिखा है वहाँ पे, देखिए 48 पेज के सामने एक एरो का निशान बना है, उस पर क्लिक करके आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। तो आपको नेक्स्ट करते रहना है जब तक आपको जहाँ से प्रिंट करना है वो एंट्री ना मिल जाए। तो जैसे हमें ये 21/2019 से प्रिंट करना है तो यहाँ पे इस पर चेकबॉक्स पर टिक करने के बाद में नीचे सबमिट का बटन है, सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा, पासबुक आपकी रीसेट हो गई है, रीसेट सक्सेसफुली। तो अभी जब आप पासबुक को HPBP के अंदर डालेंगे तो दोबारा से वो 21/1/2019 से प्रिंट होके आएगी। अभी इसको वेरीफाई कराना पड़ेगा HPBPR में ही, सुपरवाइज़र में जाके। तो वहाँ से वेरीफाई करने के बाद में आप HPBP में दोबारा से जाके प्रिंट ले सकते हो। तो चलिए वो भी दिखा देते हैं आपको। अभी फंक्शन कोड में यहाँ पे मेन्यू शॉर्टकट में HPBP टाइप कर लेते हैं। और यहाँ पे वो अकाउंट नंबर जिसकी हमने पासबुक रीसेट करी थी वो अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देंगे। वो अकाउंट नंबर टाइप करने के बाद टैब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आएगा, प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए 21/2019 से स्टार्ट हो रहा है ये। यहाँ पे अच्छे से अगर आपको नहीं दिख पा रहा होगा तो प्रिंट करने के बाद में एक बार HPR में जाके आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से HPR मेन्यू में जाएंगे, गो पे क्लिक करना है दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाली एंट्री है इसके चेकबॉक्स पे टिक करके और प्रिंट स्क्रीन के ऑप्शन पे जाना है। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं 21/2019 से यहाँ से एंट्री स्टार्ट हुई है उसकी प्रिंट होनी और लास्ट में 2/5/2022 तक अप टू डेट हो गई है। तो इस तरह HPBPR मेन्यू से आप पासबुक को रीसेट करके अपनी मर्जी से जहाँ से भी चाहें उसको दोबारा से प्रिंट करके पासबुक को दे सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।